हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है, CIIT कॉलेज। आज हम आप लोगों को कुछ बताएंगे वर्ड पैड में आगे के मेन्यू बार के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम वर्ड ओपन कर लेंगे। पिछली भी वीडियो मैंने आपको बताया था होम, इंसर्ट और पेज लेआउट का। पेज लेआउट में अपने आधे ऑप्शन हो गए थे, उनको एक बार और बता देता हूँ। पेज लेआउट में हम इसका पेज का साइज चेंज कर सकते हैं, किस साइज में चाहिए आपको। इंसर्ट और होम की वीडियो यदि आप ना देखी हो तो हमारी पुरानी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आपको होम मेन्यू के बारे में और इंसर्ट मेन्यू के बारे में पिछली वीडियो में मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे थे पेज लेआउट के बारे में। तो पेज लेआउट में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, कलर पेज सर। एक बार फिर से आते हैं, हम यहाँ पे थीम्स का उपयोग करेंगे। यहाँ से हम कोई भी थीम्स ले लेते हैं, ये सिर्फ कलर थीम्स पर काम करते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ पर एक बार फिर से रिविजन कर लेता हूँ मैं। यहाँ से ये कलर चेंज हो रहा है, हम तीन चार यहाँ से थीम्स लेंगे। कोई भी डिजाइन वगैरह डाल दें हम यहाँ से, इन पर कलर कर सकते हैं। ये देखिए, इन सब पे कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट पे, या कलर कर सकते हैं इन पे। ऐसा कलर चेंज होता है, ये भी कलर कलर पे कर सकते हैं। फॉर्मेट इसमें कुछ साइज लिखना हो हमें, उस लिखने के लिए साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। इनके फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन सब पेज लेआउट पे हो जाता है। पेज का साइज के लिए हमें पेज को मैनेज करना हो, ऐसे पेज का साइज बड़ा करना हो, छोटा करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। पेज को ओरिएंटर करना हो, आड़ा करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, आप देख लीजिए पिछली वीडियो में। आज हम बात कर रहे थे अपना, सबसे पहले मैं एक पेज को हमें तीन कलर में करना हो। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं या कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, उसको अच्छे डिजाइन में देना है, तो हमें इसे पेज साइज पर कर सकते हैं। पहले पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम पेज के बैकग्राउंड पर आएंगे। पेज लाइनिंग बॉर्डर लगाना है तो पेज बॉर्डर पर आएँ, यहाँ से हम कोई भी डिजाइन वगैरह डाल सकते हैं। हमें डिजाइन डाल ली, पेज पे कलर करना है तो पेज कलर पे जाएंगे, पेज कलर कर सकते हैं। ये देखिए पेज कलर हो रहा है, या फिर हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से पेज को अलग अलग कलर में कर सकते हैं। यहाँ से हम थ्री कलर करना हो, टू कलर करना हो, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पेज कलर पे आके पेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मुझे वाटर मार्क लगाना है, किसी का नाम लिखना है। जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, उस पर नाम लिखें तो वाटर मार्क लगा सकते हैं। ये हम आ गए, इसमें मुझे मेरा नाम लिखना है या कॉलेज का नाम लिखना है, वो भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे, इसको हटाना तो रिनेम कर देंगे, हट जाएगा। वापस लेके आना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नाम चेंज करना है तो यहाँ से जाएंगे, कौन स्टेप पे जाएंगे और यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया ये आकाश वैसे लिखा है। इसमें कलर भी कर सकते हैं, वाटर मार्क में हम कलर भी दे सकते हैं, किस हमें कलर में लिखना है, कि डिजाइन में लिखना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, हम यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। अप्लाई कर दिया, कलर चेंज हुआ इसका। ये ब्लैक करना है तो ब्लैक भी कर सकते हैं, वाइट करना है वाइट भी कर सकते हैं। ऑटो कलर पर आके कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, रेड कर देंगे, ठीक है। ये कलर चेंज हुआ इसका। जैसे हम कोई वर्ड लिखना हो वर्ड भी लिख सकते हैं। अब अगला आता है ऑप्शन है राइट लेफ्ट का। ये मान लो मैंने यहाँ पे इसको नो कर लें, कोई वर्ड लिख रहा हूँ आपने कहा। अब मैं चाहता हूँ इसको राइट साइड जमाना है, लेफ्ट साइड जमाना है, यहाँ से हम इसको राइट लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं। यहाँ से राइट साइड ये हो गया लेफ्ट साइड, ये दो तीन मटके काम करता है। कोई हमें लेफ्ट साइड की राइट साइड लिखाना है तो मान लो मैं यहाँ पे ये रहा लिख दिया, पेज लेआउट पे जाएंगे और इसको राइट साइड से करना है। देखिए लेफ्ट साइड जमाना, राइट साइड यहाँ से काम करता है। इसमें हर चीज़ डबल डबल काम करती है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे जाके होम पे जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर एंटर बटन दबा के या स्पीच बटन दबा के इनको जिनका और कीबोर्ड से स्पीच दबा दिया तब भी ये वापस जाएगा। टैब बटन दबा दिया, अगला अपना ऑप्शन आता है पेज लेआउट में। पेज यहाँ पे अरे तीन चार लाइनें लिखी, हमें लाइनें को गैप बढ़ाना है। यहाँ पे CIIT कॉलेज दिशा, हमें इन दोनों लाइनों का गैप बढ़ाना भी चाहिए। हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, पेज लेआउट पे आएंगे और यहाँ से आप करेंगे
देखिए पेज का लाइनिंग का साइज बढ़ाना है, कम करना है, हमें लाइनिंग के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगला अपना ऑप्शन आता है कि थीम्स भी काम करते हैं कहाँ पे, वो मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे ना, इन थीम्स पे काम करते हैं। यदि मान लीजिए हमने ये ले लिया और हमने ये थीम्स काम करने लगी, अब ये बंद थी, अभी चालू हुआ है, हमें इस पर कुछ नाम वगैरह लिखना हो, जैसे पेज के राइट साइड में हुआ है, ये लेफ्ट साइड में जमाना हो तो लेफ्ट में कर सकते हैं, या पेज के बीच सेंटर में जमाना हो बीच सेंटर में जमा सकते हैं। ये देख बीच सेंटर में आ रहा है पेज के, हम चाहते हैं कि पेज की लास्ट में जाए तो लास्ट में पहुंच जाएगा, पेज के स्टार्टिंग में चाहिए तो पेज के स्टार्टिंग में चले जाएगा, स्टार्टिंग ये रही पेज के बीच सेंटर में, या जिस तरह हमको रखना हो पेज में उधर यहाँ से ले सकते हैं, या डायरेक्ट लेवल पर क्लिक करके माउस से आइकन आएगा, माउस से क्लिक करके पकड़ के उसको कहीं भी रख सकते हैं। इसमें हर चीज़ आप डबल डबल तरीके से कर सकते हैं। अगला अपना ऑप्शन आता है इसमें कुछ नाम वगैरह लिखना हो अपन को, जहाँ से नाम वगैरह लिख सकते हैं, फुल टाइप करना है, इसमें नाम लिखा रहा है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए नाम लिखने के लिए पूरे अब ये ऑप्शन बंद है, ये डबल थीम्स पे काम करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर डबल थीम्स ले ली, इंसर्ट पे आए और यहाँ से एक दो थीम्स उठा लेंगे, ये उठा लिया और इसको अलग कलर में कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ये अलग कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाला अपना जी है ये इसके नीचे हो जाए, नीचे वाला ये उसके ऊपर हो जाए, तो कहाँ से जाना है अपन को, यहाँ पर जाना है, पहले हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पेज लेआउट पे आएंगे, ये ऊपर आ गया, हम चाहते हैं नीचे वाले ऊपर आ जाए, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये ऊपर आ गया, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन इन पे काम करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, आप एक बार करके देखें तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, यदि आपको प्रॉब्लम आए तो आप बकायदा पूछ सकते हैं, करके देखना पड़ेगा आप लोगों को, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट्स करें कि आपको कोई समझ में नहीं आ रही, जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में, या मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा नहीं पा रहा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ पिछली वीडियो मैंने आपको जो भी पढ़वाया है, जो भी अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, तो आप बकाया हमें हर वीडियो पर कमेंट्स करें, हमें बताएं कि हम क्या आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, या आप किस तरीके से आपको समझना हो जाता है, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ फिर आपको बताने पर, जब तक आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं आया। इन सब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके उठा सकते हैं, हमको इसको हाइट करना हो ना वहाँ से हाइट कर लेंगे, 5 नंबर का हाइट कर दिए, दोनों हाइट हो गए, दोनों को शो कर देंगे, इस ऑप्शन से हम दोनों को शो हाइट कर सकते हैं। अगला अपना आता है ग्रुप बनाने का, इसको सेलेक्ट कर लिया, माउस कीबोर्ड से कंट्रोल लगाया और दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमने ग्रुप बना लिया, अब हम दोनों को एक साथ उठाए कहीं भी ले जा सकते हैं। अभी हम एक एक को लेके जा रहे थे, हम दोनों को एक साथ लेके जा रहे हैं, ये एरिया का है, लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, सेंटर में रखना है, यहाँ से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड ने कुछ चेंज करना है अपन को, यहाँ से भी कर सकते हैं, सारे नॉर्मली ऑप्शन है, आप करके देखिएगा सब आ जाता है। आजकल बच्चों को मोबाइल चलाना आता है, इसको कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, तो नॉर्मली ऑप्शन है, करके देख लीजिएगा, जो भी आपको डाउट हो बकायदा कर सकते हैं, अपना पेज लेआउट हुआ है खत्म। अब बात करते हैं अपन रिफ्रेश की, रिफ्रेश मेन्यू पे आते हैं, पहले अपन न्यू पेज ले लेते हैं, न्यू पेज पे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, कंट्रोल एंड शॉर्टकट की दबाया मैंने, न्यू पेज पे आ गया, डायरेक्टली फाइल पे जाकर भी न्यू पेज ले सकते थे। रेफरेंस पे आएंगे, रेफरेंस का उपयोग हम तब करते हैं यदि मान लीजिए आपने कोई बुक है आपके पास, या आपने पहले से 12th क्लास तक या ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई की है, तो उसमें जो आपका पहला पेज रहता है, स्टार्टिंग का मेन पेज रहता है, उस पर सब लिखा होता है, पेज नंबर पाठ नंबर 1 के लिए, इतिहास के लिए पेज नंबर 10 पे जाएं, मानव संरचना के लिए पेज नंबर 2 पर जाएं, या अध्याय 3 के लिए पेज नंबर 3 पर जाएं, ऐसा सब कुछ लिखा रहता है, तो हमें इसका उपयोग यहाँ पे करते हैं। पहला पेज हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि पहले पेज हमें थीम्स वगैरह लगानी है, हाईलाइट लगाना है, तो हम पहले पेज को खाली छोड़ देंगे, अगले पेज पे आए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया बिजी सामने जितने कॉलेज है कॉलेजों के नाम लिख दे रहे हैं, SSLGN कॉलेज, कॉलेज इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको होम पे जाके हेडिंग बनानी है इसको, ठीक है, हमें CIIT कॉलेज लिखा है, हेडिंग बनानी है, बुला सकते हैं। अब हमें इस कॉलेज के बारे में जो भी जानकारी लिखेंगे ना, तो हम इस पेज पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिख दिया विदिशा MT, हमने फिर हम अगले कॉलेज पे आएंगे, यहाँ पे हमें लिख दिया CIIT कॉलेज, इसको भी हम हेडिंग देंगे CIIT कॉलेज, कॉलेज हमें CIIT कॉलेज के हम जो भी जानकारी लिखेंगे पेज नंबर 2 पे लिखेंगे, इसको हेडिंग डाल देंगे, इसका साइज बढ़ा लेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे इसके PG DCA, उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बाद में,
फिर अगले पेज पे आते हैं, हमने सिर्फ तीन पेज लिए, यहाँ पे कर दिया हमने सी आई एस टी कॉलेज। इसको भी हेडिंग बना लेंगे, हेडिंग बनाना जरूरी है, होम पे जाना है और हेडिंग पे क्लिक कर देना, हेडिंग वन हेडिंग टू कोई चीज जाएगी, ठीक है। हेडिंग बना ली, हम फर्स्ट पेज पे आएंगे स्टार्टिंग में, फिर हम जाएंगे रेफरेंस पे, रेफरेंस पे जैसे हम जाते हैं तो हम फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर क्लिक कर दें, कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। फर्स्ट वाई ले लेता हूँ मैं, देखिए SSLGN जैन कॉलेज के बारे में जानकारी लिखी थी अपन ने, वो पेज नंबर 2 पर है। CIIT कॉलेज के बारे में लिखी थी, वो पेज नंबर 3 पर है। और CIIT कॉलेज वाले पेज नंबर 4 पर, CIIT कॉलेज पेज नंबर 3 पर। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पेज नंबर 3 पर पहुँचना है, तो कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल सारे लिंक पर क्लिक कर दूंगा, CIIT पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, डबल क्लिक करना है। देखिए पेज नंबर 2 पर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पेज नंबर 4 पहुँचना CIIST पर, तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल दबाऊंगा, माउस से क्लिक करूंगा और नीचे आ जाऊंगा, CIIST पे आ गए। अगला अपना ऑप्शन आता है ऐड का, ऐड टेस्ट, मुझे इसमें कोई और ऐड टेस्ट करना है उसमें, मान लीजिए मुझे इसमें मेरा नाम लिखना है CIIT वाले पे, यहाँ पर मैंने ऐड पे गए, लेवल 1 ले लेंगे, कुछ लेवल 2 लेवल कुछ ले सकते हैं, आप मेरा नाम डाल दिया ये आकाश, ये भी हेडिंग में आ रहा है, और इसको अपडेट कर देंगे, अपडेट टेबल, ठीक है। जैसे अपने अपडेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे चार हो जाएंगे, अपडेट टेबल पे जाएंगे, अपडेट टेबल, ठीक है, चार हो गया। आकाश श्रीवास्तव पेज नंबर 4 पे आ रहा है। अपडेट करना हमको, अपडेट भी कर सकते हैं बाद में, कोई नाम बढ़ाना हो, इसको नाम हटाना हो, नाम ऐड करना हो, अपडेट पे जाएंगे। अगला अपना ऑप्शन आता है AV पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई जानकारी लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा या कोई लाइनिंग लिखी XYZ, मैं लिखूँगा तो टाइम लगेगा समझाने के लिए, मैं आपको कोई भी नाम ले देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना कोई पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, यहीं पे छोड़ के जाना चाहता हूँ, कल से मैं स्टार्ट यहीं से करूँगा आके, तो मैं इस पर यहीं पे क्लिक कर दूँगा, ऐड लाइन पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया। यदि मान लीजिए इसके मुझे स्वेटर की लिखना हो, नॉर्मली मैं आपको समझ देता हूँ, मान लूँ कि मैं यहाँ पे लिखा PUNG या स्टेट बैंक स्टेट बैंक लिख दिया। अब मुझे इसका शॉर्टकट लिखना है, बहुत से नामों को शॉर्टकट करता है, तो AB पे क्लिक कर देंगे, इसका शॉर्टकट लिख दिया मैंने SBI, या फिर मान लीजिए अपन यहाँ पे लिख दिया हमने विदिशा VIDIS, इसका शॉर्टकट लिखना है मुझे, तो इसका भी शॉर्टकट कर देंगे यहाँ पे, इसका शॉर्टकट लिख दिया VDS, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें इसके फुल फॉर्म में पहुंचना है, हमें इसको कोई भी लेटर वगैरह लिखना है, हम चाहते हैं हमें SBI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं सर गलत कर दिया मैंने, नेक्स्ट पर पहुंचना है, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मुझे लिखना था SBI ऊपर वाले पे, फिर से बता देता हूँ मैं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे मैं लिख दिया एस, कोई भी लेटर वगैरह लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया SBI, शॉर्टकट लिखा है, इसका फुल फॉर्म चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्लिक करके क्या कर लें, यहाँ पे स्टेट ऑफ INDIA इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म हुआ है ये। अगला अपना इसका ऑप्शन जो हुआ है इसका फुल फॉर्म, तो अपन यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे देखा देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है ना, SBI पे हम यहाँ पे माउस को लेकर आ रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे माउस को ऐसे लेके आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखने लगा, जैसे हम मान लो यहाँ पे हमें लिख दिया VDS, इसका फुल फॉर्म चाहिए हमें, तो हम AB पे क्लिक कर देंगे, किसी भी चीज़ का हमें फुल फॉर्म देखने के लिए शॉर्टकट हम बनाते हैं, अपने हिसाब से शॉर्टकट बना सकते हैं, यहाँ पे हमें लिख दिया विदिशा, अब हमें इसका फुल फॉर्म चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ से इसका विदिशा दिख रहा आएगा, VDS का शॉर्टकट फुल फॉर्म होता है VDS। नेक्स्ट फॉर्मूले भी पहुँचना है हमको, बढ़ाना है तो हम तुरंत यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट पे जाना, हमें देख सकते हैं फर्स्ट ईयर कहाँ लगा है, सेकंड कहाँ लगा, शो नोट्स शो करना है शो कर सकते हैं, हटाना हटा सकते हैं, ठीक है। अगली मैं आज आपको इतना ही बता पाऊँगा इस वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बताऊँगा रेफरेंस से रिलेटेड आगे के ऑप्शन के बारे में, ठीक है। आज के हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप बच्चों आप हमेशा हमें हर वीडियो पे कमेंट्स करिएगा, यदि आप कमेंट्स करेंगे तो हमें लगेगा कि आप हमारी हर वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं, आप घर पर रहकर भी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपको जो भी डाउट होता है जो भी बात समझ में आए तो बकायदा हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या हमारे कॉलेज के नंबर पर कॉल लगा के डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको जो भी चीज़ आप पढ़ा रहा हूँ आपको नेट पर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सब मैं आपको आपकी लिंक आपको नोट्स भेजते रहते हैं, उन पर जानकारी मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली आप गूगल पे जाइएगा, यहाँ पर मैंने क्रम खोल लिया, डायरेक्ट आप गूगल पे आना और यहाँ पे लिख देना है आपको आकाश श्रीवास्तव विदिशा, गूगल पे कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट नाम लिखना है मेरा
आपका सीधा सब डिजाइन से आप लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, सबसे फर्स्ट जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना। मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ कॉलेज में उन सबके नोट्स आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपको पढ़ाऊँगा और पढ़ाता हूँ सारे नोट्स डालता रहता हूँ। आपको जो भी डाउट आप इसमें कमेंट्स करके देख सकते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएँ वगैरह जो भी आपको पूछना हो कोई डाउट तो कमेंट्स कर लीजिएगा। यदि आपको क्लास मिस भी जाती है अगर यूट्यूब पर नहीं देख पाते हैं, आपको नोट्स चाहिए तो आपको सब इस साइट पर मिल जाएगा। ठीक है, आप घर रह कर अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अपन कल अगली वीडियो में। आपको होम के सारे टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा मैं। आज के हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों।